हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ आलू का बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी चटपटा नाश्ता। फ्रेंड्स, आपके बच्चों को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब भी आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आ गया है, कोई पार्टी है छोटी मोटी, तो उसके लिए भी आप ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए थे 3 आलू। आलू को मैंने इस तरह से बीच में से कट कर करके बॉईल कर लिया है, क्योंकि कट करके आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे आलू बॉइल्ड हैं तो हम एक फॉर्क की हेल्प से इस तरह से इनको मैस कर लेते हैं। आप चाहे तो आलू के ग्रेटर से भी इनको ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं चाहिए, आलू को हमें बिल्कुल बारीक ग्रेट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब्स। तो इसमें मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें ऑरिगेनो, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना आप इनको स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। 1/3 चम्मच हम इसमें डालेंगे सिंपल लाल मिर्च का पाउडर, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं अपने घर पर। 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला से इसमें बहुत ही बढ़िया एकदम चटपटा सा टेस्ट आएगा। अब हम इसको एकदम चीजी टेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 क्यूब प्रोसेस चीज के। आप इसमें प्रोसेस चीज, मोजरेला चीज, कोई भी चीज़ नहीं है तो आप सिंपल जो पनीर होता है वो भी आप डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें कोई भी चीज़ या पनीर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 2 क्यूब्स इसमें ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। इससे इसमें नाश्ते में बहुत ही बढ़िया एकदम चीजी फ्लेवर आता है, और खासकर आपके बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। किसी भी पार्टी ओकेजन के लिए जब आप बना रहे हैं तो बहुत पसंद आएगा बच्चों को। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 2 चम्मच मैदा भी यूज कर सकते हैं, या 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं, और उसका हम एक डो की तरह इसको बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डो की तरह बना के तैयार कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम साइड से रख देंगे थोड़ा बहुत सेट होने के लिए, जब तक हम इसके लिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हम लेंगे एक बाउल, और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये 3 चम्मच मैदा। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच इसमें मैदा डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 चम्मच ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये नमक, जिससे कि जो ऊपर से हम इसकी कोटिंग करेंगे तो फीका फीका नहीं लगेगा, इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा सा काला नमक, सॉरी काली मिर्च और नमक थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, उसका एक बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं, उससे थोड़ा सा पतला हम इसका बैटर बना के तैयार करेंगे, यानी कि एक स्लरी जैसे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनानी है, इस तरह की थोड़ी सी थिक रखेंगे, जिससे कि एकदम बढ़िया से उस पर लेयर बन जाए, जिससे कि नाश्ता हमारा अच्छा लगे खाने में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बैटर को बना के तैयार कर लिया है। तो बैटर भी हमारे यहाँ पर बन के तैयार है इस तरह का। और मैंने यहाँ पर साथ ही साथ ले लिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, ये मार्केट वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पर घर पर भी आप ब्रेड को मिक्सी के जार में डाल के पीस के भी तैयार कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें तैयार हैं तो हाथों पे हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी, आपको जिस तरह से भी पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर टिक्की टाइप में बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप टिक्की टाइप में इसको बना लीजिए, सिलेंडर आकार में, गोल आकार में, जैसे भी आपको पसंद हो, आपके घर वालों को पसंद है वैसे आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये गोल टाइप में बना रही हूँ। अब मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि जिससे कि बच्चे तो आपके बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपके बच्चे। बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे इसको खाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटा, चीजी और टेस्टी भी होता है। तो इस तरह से पहले हम यहाँ पर गोल टिक्की जैसी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से टिक्की जैसी बना ली है। अब मैंने यहाँ पर ले ली है आइसक्रीम वाली चम्मच, यानी कि आइसक्रीम की जो चम्मच होती है, ये सबकी घर में मिल जाती है, नहीं है तो मार्केट में भी काफ़ी इजनी मिल जाती हैं ये। इनको हम इस तरह से इसमें टर्न कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से प्रेस कर दें जिससे कि ये निकले ना। ये देखिए, तो इस तरह से ये एकदम बढ़िया सा हमारा नाश्ता एकदम डिफरेंट स्टाइल में बनके तैयार हो गया है। जब भी आप कोई भी ओकेजन पे पार्टी के लिए बच्चों के लिए बनाएंगे ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये देखिए, तो आप इस तरह से या फिर इस तरह से, जो भी शेप आपको पसंद हो वैसे आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। कुछ मैंने सिंपल बनाए हैं, कुछ मैंने यहाँ पर ये चम्मच लगा के बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम अच्छे से और तैयार करेंगे थोड़ा सा सेकने से पहले।
तो हमने जो मैदे का बैटर बनाया है उसमें हम इनको थोड़ा सा डिप कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैदे के बैटर में मैंने इनको डिप कर लिया है। अब हम जो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिया है उसमें हम अच्छे से इनको लपेट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, कभी भी आप इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं। जब भी कोई चटरा सा टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है, रोटी वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इस तरह से भी इनको बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पर लगाते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस ऑन करके एक ऑयल, ऑयल देखिए काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, इतने से अच्छी हीट आ रही है। तो इस तरह से हम इसमें इसको लपेट लपेट के ऑयल में हम डालते जाएंगे और इस तरह से हम इनको सेकते जाएंगे। तो एक बार में जितने आ जाए आप उतने डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक बार में 4 से 5 डाल दिए हैं, काफ़ी आसानी से सेक जाते हैं, यानी कि जो चम्मचें होती हैं उनसे कोई भी दिक्कत नहीं होती हैं। बट आपको कोई भी चौड़ी कढ़ाई का ही इसमें यूज करना है, पैन कढ़ाई। मैं यहाँ पर पैन में इनको सेक रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी काफ़ी बड़ी है, तो उसमें अच्छे से सेक जाते हैं ये। फ्रेंड्स अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि आपके घर पर पोहा तो होगा ही, पोहे को आप मिक्सी जार में डाल के आप सेम प्रोसेस जो मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ किया है वैसे आप उसको भी कर सकते हैं। मैदे में थोड़ा सा लपेट के आप पोहे का जो पाउडर बनाएंगे उसमें भी आप उसको लपेट के इस तरह से नाश्ता बना सकते हैं, कोई भी झंझट नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से दोनों साइड से सेक चुके हैं, तो हम इनको एक टिश्यू पेपर में निकाल देंगे जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसमें से निकल जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं होता है, ऑयल इसमें ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होता है, काफ़ी अच्छे बनते हैं ये। तो इस तरह से हम बाकी के बचे हुए भी सेक लेंगे। तो ये देखिए ये भी नीचे सेक चुके हैं, तो हम इनको भी पलट देते हैं। तो इसी तरह से हम इनको दोनों साइड से अच्छे से पलटते हुए हम सेक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम क्रिस्पी कुरकुरा एकदम चीज़ें नाश्ता बनके तैयार होता है। फ्रेंड्स आप एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे नाश्ते को सेक के तैयार कर लिया है। तो देर किस बात की, झटपट से जाइए अपनी किचन में इसको ट्राई कीजिए। आप इसको टमाटो सॉस मायोनीज किसी के साथ भी खा सकते हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।